हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे चार मूवीज के बारे में जो अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन चारों फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इनमें से दो फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी और दो फिल्म आपको उन्हीं के लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि चारों फिल्में वर्थ वॉच है, आपका टाइम कहीं से भी वेस्ट नहीं करेगी। तो ज्यादा समय न लेते शुरू करते हमारा आज के वीडियो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। और प्लीज इस वीडियो के लिंक को जितना भी हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां मर्जी चाहे इसको शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तमिल थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है तड़म। इस मूवी में हमें नजर आते अरुण विजय। अरुण विजय ने यहाँ पर डबल रोल किया है, एक कैरेक्टर का नाम है एजिल और दूसरे कैरेक्टर का नाम है केविन। तो एजिल एक सिविल इंजीनियर है और केविन की बात करें तो वो एक तरीके का चोर है। और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कुछ हमें अलग देखने को मिलता है जो हमने इससे पहले किसी और फिल्म में नहीं देखा था, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता कि आपको साउथ की फिल्में देखना पसंद है और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी हुई फिल्में देखना पसंद है, कुछ अनयूजुअल कहानी देखना पसंद है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी, और एक जबरदस्त डायरेक्शन, जबरदस्त स्क्रीन प्ले, जबरदस्त बीजीएम, जबरदस्त एक्टिंग देखना पसंद, तो आपको ये मूवी देखना ही पड़ेगा। इस मूवी का एक तेलुगु वर्जन भी बन चुका और अभी खबर है ऐसी कि इस मूवी का हिंदी वर्जन भी बनने वाला है, जिसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। अब पता नहीं इतनी जबरदस्त फिल्म को किस तरीके से वाट लगाएंगे वो तो हमें बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तमिल मूवी देख लो जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। YouTube पर जाओ, आपको सिर्फ इतना लिखना तड़म फुल मूवी डब इन हिंदी, तो ये मूवी आ जाएगी। वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के मूवी देख सकते हो, बहुत मजा आएगी। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरी मूवी की जिसका नाम है कल की। ये एक तेलुगु थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें नजर आते राजशेखर, आदा शर्मा और आशुतोष राणा। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती कोल्हापुर एक गांव से, जहां के एमएलए है नरसप्पा यानी कि आशुतोष राणा, जिसका बहुत ही भोकाल है। उनके छोटे भाई का हो जाता है मर्डर। अब वो मर्डर किसने किया इसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते एक एसीपी जिसका नाम है कल्कि यानी कि राजशेखर। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ी जिसका नाम है कल्कि। ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एंगेज करके रखती है, हर एक ट्विस्ट एंड टर्न्स देखकर आप हैरान हो जाते हो। और जिस तरह से इस फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हुआ, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि बाप भी इस मूवी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस की बात करो तो राजशेखर सर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आशुतोष राणा का भोकाल है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा इस मूवी में आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। कुल मिलाकर मूवी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगी। ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि आपको तेलुगु लैंग्वेज में ही देखने मिलेगी, लेकिन विद इंग्लिश सबटाइटल, तो आप ये फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी मूवी जो कि एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है अंगमली डायरीज। इस मूवी को डायरेक्ट है लिजो जोस पेलिसेरी ने। उनकी मैंने एक फिल्म देखा था जिसका नाम था जल्लीकट्टू, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं बहुत एक्साइटेड था कि इनकी कौन सी फिल्म देखो। तो बहुत से लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई अंगमली डायरीज देखो। तो यार फाइनली जब मैंने मूवी देखा तो मैं सोचता कि भाई ये मूवी वाकई में बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की जो कहानी है वो रियलिटी के काफी करीब है। यानी कि आपको फिक्शनल चीजें कुछ देखने में मिलेगी, ऐसा लगे हम वाकई में हमारे मोहल्ले की कहानी देख रहे हैं, हमारे मोहल्ले के कोई लड़के लोग हैं जिनके साथ ये सब चीजें हुई है, तो हम उनको देख रहे पर्दे पर। डायरेक्टर की जो सबसे अच्छी बात वो है कि ये टेक्निकली बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है। इनका कैमरा वर्क फिल्म में बहुत अच्छा होता है, इनकी फिल्म में बीजीएम बहुत अच्छा होता है। इनकी फिल्म में जो एक्टर्स होते हैं वो ज्यादा नोन एक्टर्स नहीं होते, सब न्यू कमर्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पूरे एक्टर से काम करवाते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होता है। फिल्म की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू पेपे और पोर्क से। पेपे और पोर्क इसलिए बोला मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पेपे जिसकी बचपन से लेकर जवानी बहुत अच्छे से गुजरती है, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता है, और उसकी पेपे की लाइफ में एक लड़की भी होती है जिससे वो बहुत प्यार भी करता है। पेपे बड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ पोर्क का बिजनेस करता है, लेकिन तभी कहानी में आता ट्विस्ट। उसके बाद ये फिल्म किस तरह से बदलती है और पेपे की जिंदगी किस तरह से बदलती है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता कि अगर आप इस फिल्म को एक बार देखोगे तो आप इसके डायरेक्टर के फैन हो जाओगे। उसके अलावा जिस तरीके से ये फिल्म पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक आगे बढ़ती है ना, आप बहुत ही इंटरेस्ट लेकर इस फिल्म को देखोगे। इस फिल्म में आपको कोई भी फालतू के सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे तो आपको ऐसा लगे हाँ वाकई में हमारे एरिया में किसी की फाइट हो रही, क्योंकि यहाँ पर आपको हीरो की तरह कोई 10 घंटे उठा के खेल ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर कोई इंसान जो कॉमन मैन, जो आम आदमी है, जो अगर वो किस तरह से फाइटिंग करेगा, तो वो सब चीजें आपको इस फिल्म में देखने मिली। साथ ही इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, ग्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा, तो सब कुछ इस फिल्म का बहुत ही शानदार है। प्रॉब्लम ये कि अगर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते तो यहाँ पर पोक कटिंग सीन या पोक के खाने की सीन, जो ये सब चीजें जो वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकती है। उसके अलावा ये फिल्म बहुत अच्छी है, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मलयालम मूवीज में से एक है जो मैंने रिसेंटली देखा। ये मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में मिलेगी, तो इसलिए ये मूवी को जरूर देखना। अब हम लोग बात करें चौथी मूवी जिसका नाम है कटाका। ये कनाडा मूवी है जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। ये मूवी का कॉन्सेप्ट ब्लैक मैजिक और हॉरर पे बेस्ड है। मूवी की कहानी शुरू होती कुमार से, जो कि स्कूल टीचर है, वो अपनी फैमिली के साथ सिटी में रहते हैं, यानी कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के सिटी में रहते, लेकिन वो सिटी की लाइफ से फेड अप हो जाते, इस वजह से वो गांव में आते और सोचते गांव में आके स्कूल खोलेंगे। लेकिन उसके बाद कहानी में
कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं ये मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी। तो देखिए मूवी में आपको ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट पता, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस मूवी जो बच्ची है उस बच्ची ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। साथ साथ ये मूवी में आपको डर के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी फील करते। और मूवी की लेंथ ज्यादा नहीं, करीब 1 घंटे 40 मिनट के लिए, 1 घंटे 40 मिनट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ जबरदस्त चीजें देखने को मिलती है। और बीजीएम इस मूवी का बहुत शानदार है। उसके अलावा आपको इस मूवी में पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर भी देखने को मिलेंगे। वो कहाँ देखने को मिलेंगे वो तो आप इस फिल्म देखोगे तभी समझ जाओगे। ये मूवी आपको मिलेगी एमएक्स प्लेयर बीटा पे, लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये कि ये मूवी आपको कनाडा लैंग्वेज में ही मिलेगी, लेकिन इसका सबटाइटल भी नहीं मिलेगा। तो इस फिल्म को विदाउट सबटाइटल ही देख ले। अगर आपको ये फिल्म देखना है तो आप इसको शायद वेट करना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपको कनाडा लैंग्वेज समझती है और फिर भी आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा तो जल्दी से आके देख लो। बस इस वीडियो में इतना। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथी पहले करें उसे भी करना प्रेस। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में आ तक ना, मैं हूँ रांची से, आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।